अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं 6 ऐसे इम्पॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो हमें बेकिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी और बिगिनर्स के लिए काफ़ी फ़ायदा होगा उनसे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। टिप नंबर 1, जो बॉल आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल क्लीन हो और ड्राई हो, किसी किस्म के उसमें आपको पानी के छींटे ना पड़े हों उस पर, ठीक है। ये आपकी पहली टिप है, यानी जो बॉल आप जिसमें बीटिंग करेंगे, ठीक है, वो आपके बिल्कुल ड्राई और क्लीन हो। टिप नंबर 2, केक बनाने के लिए हमें एग और शुगर को सबसे पहले बीट करना है और बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स हमने उसको हाई स्पीड पर बीट करना है, ठीक है। वो हमारा स्पंज काफ़ी अच्छा बनेगा। आप ये टिप ज़रूर ट्राई करें, आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर जो कपकेक्स और बिस्किट्स के लिए आपने ज़्यादा अंडों और चीनी को बीट नहीं करना, सिर्फ आपको केक के लिए बीट करना है। तो मैं ये बीट करूँगी, आपको फिर दिखाऊँगी कि किस तरह हो सकता है। टिप नंबर 3, उसके बाद आपने अंडों को बीट करने के बाद, अंडे और शुगर को, उसके बाद आपने जो भी इंग्रेडिएंट डालने हैं आपने उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करने, मेजरिंग कप्स और स्पून्स मिलते हैं उसी को यूज़ करना है, उसके अलावा अंदाजन कुछ भी नहीं आपने डाला। ये हमारा देखें, इसके ऊपर ये दिया हुआ है, इसी तरह के आप कप्स और स्पून ले लें और तभी आप उसको यूज़ करें तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। मैदा डाल के कभी भी आपने एक्स्ट्रा बीट नहीं करना, ये टिप बहुत ज़रूरी है इसमें। टिप नंबर 4, हमेशा अपने पैन को ऑयल से ग्रीस करें। और बटर पेपर से कवर करें। बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर भी यूज कर सकते हैं। टिप नंबर 5, हमेशा पैन को 3/4 फुल करना है, चाहे वो आपका टी केक है या फिर राउंड या स्क्वायर, हमेशा आपको फुल अपना पैन नहीं करना, पैन हमेशा ज़्यादा छोटा अपने बैटर के हिसाब से लें, ज़्यादा छोटा या बड़ा भी ना दें। टिप नंबर 6, हमेशा ओवन का टेम्परेचर ना ज़्यादा ज़्यादा हो ना बिल्कुल कम, दरमियानी आंच उसकी हो अगर गैस का ओवन है, और अगर दूसरा है तो आप उसको 150-160 टेम्परेचर आपका बेस्ट रहता है केक और कपकेक्स के लिए। तो आपको केक को ओवन को सबसे पहले प्रीहीट करना है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, आपको लगे कि अब ये गर्म हो चुका है, तब आप उसमें अपना पैन रखें और तकरीबन 25-35 मिनट्स तक आपने इसको बेक करने के लिए रख देना है। लेकिन आपने 20 मिनट्स तक अपने ओवन का जो डोर है वो ओपन नहीं करना, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं स्टिक की मदद से, ताकि वो आपका केक जो है वो बेक हो चुका है कि नहीं। 20 मिनट्स तक या 15 मिनट्स तक आपने अपना जो ओवन का डोर है वो ओपन नहीं करना। बस यही टिप्स थी, इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।